आज सुबह से ही सर्वंत सदानी गुरु गोविंद सिंह महाराज के नगर में गुरु गोविंद पथ पर आज प्रातः बेला से ही अपने हाथों में ध्वजा लेकर, जो ध्वजा एक संस्कार संस्कृति का प्रतीक है, ये ध्वजा विजय का प्रतीक है, ये ध्वजा सुकून शांति का प्रतीक है, ये ध्वजा नई दृष्टि और सूर्योदय और छठ मैया का प्रतीक है। इस ध्वजा को लेकर आज नगर भ्रमण कर रहे हैं। इन बात को लेकर जो राजस्थान के विधायकों ने ये ध्वजा का अपमान किया है, उन्हें संदेश देना चाहते हैं। ऐसे कांग्रेसी लोग, ऐसे वामपंथी लोग, ऐसे नेता लोग जो देश को तोड़ने में लगे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि राष्ट्र जाग चुका है, राष्ट्र समर्पण का भाव जाग चुका है, हिंदुत्व जाग चुका है। अब कोई सहन नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बातों को लेकर आज ध्वजा का नारा लेते हुए आज घर घर में फहराने का हम लोग संकल्प लिए हैं। आज सुबह से प्रातः बेला से ही ये ध्वज लेकर लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जो कांग्रेसी लोग, जो वामपंथी लोग इसका अगर बहिष्कार करेंगे, इसका अपमान करेंगे, तो उसको समाज में रहने लायक नहीं है, देश में रहने लायक नहीं है, उसका तिरस्कार करें। और जो कांग्रेस के नेता, जो कांग्रेस के विधायक राजस्थान में अगर वहाँ किए हैं, मैं खुला चुनौती देता हूँ वो बिहार में करके दिखाएं। बिहार के 14 करोड़ के लोग ध्वजा के प्रति समर्पित है, इस राष्ट्र के प्रति समर्पित है। यहाँ के 14 करोड़ के लोग सब एकजुट होकर ऑल मैन आर इक्वल के भाव से इस ध्वजा का संस्कार और संस्कृति का संरक्षण करने के लिए, इसका संवर्धन करने के लिए, इसके सम्मान के लिए सब लोग एकजुट है। उन विधायक को मैं खुली चुनौती देता हूँ कि इस तरह का हरकत भविष्य में न करें। अगर बिहार में आप पांव रखेंगे तो उनको उल्टा कदम वापस जाना पड़ेगा। यहाँ के लोग उसको तिरस्कार और बहिष्कार करेंगे। आज इन्हीं बातों को लेकर एक सकारात्मक संदेश देने के लिए हम लोग नगर भ्रमण कर रहे हैं और घर घर में इसे टांग कर, इसे पूजा कर कर हम लोग सम्मान देने जा रहे हैं कि आने वाला जो हमारे वंश हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बाल बच्चे लोग हैं, इसको इस संस्कृति को, संस्कार को समझे कि ध्वजा में कितनी ताकत है, कितनी सोच है, कितनी दृष्टि है, कितना ऊर्जा है। और इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज हम लोग नगर भ्रमण करके लोगों को संदेश दे रहे हैं। और जो इसका अपमान कर रहे हैं, जो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, उसको हम लोग सबक सिखाने के लिए एक नगर भ्रमण निकाल के अपना सकारात्मक संदेश देने